हेलो फ्रेंड्स, मम्मी पापा की रसोई की देसी थाली, गर्मा गर्म चावल और तुरई की सब्जी। एक बार आप इसको भी जरूर ट्राई करके देखें तो क्या लाजवाब ये दाल चावल और राजमा चावल से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम राइस बनाएंगे, वो भी प्रेशर कुकर में, जिसके लिए मैंने एक कटोरी राइस ली है। इनको 10 मिनट के लिए सोक किया, अब इनको ड्रेन कर दिया। दो कटोरी पानी है जिसको मैंने गर्म करना रख दिया। इसके अंदर मैं तेज पत्ता और दो लौंग डालूंगी। लौंग आप जरूर डालें, इससे आपके चावल डाइजेस्टिव हो जाते हैं। नमक डालें स्वाद अनुसार और एक चम्मच घी डाल दें। अब इसमें डालें लेमन जूस और ये सोक किए हुए चावल। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे, हाई फ्लेम पर दो सीटी दिलवाएंगे। दो सीटी आने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था, अब इसका प्रेशर रिलीज हो गया। अब हम इसको खोल कर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कितने खिले खिले चावल बने हैं। आप इसको कड़ी के साथ, सांबर के साथ, जिसके साथ आपका मन करता है आप उसके साथ एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तुरई की सब्जी बना रहे हैं, जिसके सबसे पहले मैं इसको छील रही हूँ। छील के इसको छोटा काट दूंगी। तुरई की सब्जी बनाने के लिए इसमें सरसों का तेल डालें और इसमें ये जीरा डाल दें। ये इतनी अच्छी और बढ़िया डाइजेस्टिव सब्जी है और वाटरिंग सब्जी होती है, इसमें कोई पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुरई की सब्जी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल गर्म कर दिया और उसके अंदर जीरा भी डाल दिया है। हरी मिर्च और अदरक, स्वाद अनुसार मसाले, नमक, सौंठ पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और हींग। अब थोड़ा सा तुरई को मसाले के साथ अच्छे से चला लें और फिर इसको ढक के पकाएं, पानी बिल्कुल ना डालें। तुरई की सब्जी बनकर तैयार है। मैंने इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट्स तक कुक किया है, एक दो बार बीच में देख लिया था। अब इसमें गरम मसाला, चाट मसाला डालें और फिर इसको मिलाएं और सर्व करें।